कल के दिन हुआ था बिग बॉस सीजन 13 का फिनाले। और बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले में एक जहां ट्रॉफी जीत गए थे तो दूसरे को सभी लोग मानते हैं पब्लिक विनर, और कुछ इसी तरह के ट्रेंड चल रहे थे सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर। चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरी खबर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अगर पिछले सीजन की बात करें तो पिछला सीजन वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड सीजन, और काफी सारी जो है लड़ाइयां हुई, काफी सारे झगड़े हुए, काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, काफी सारा फैंडम भी कमाया कंटेस्टेंट्स ने जो घर के अंदर बंद थे। ऐसे में एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको शायद दुनिया इतना नहीं जानती थी, लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन बिग बॉस की जर्नी के बाद वो दिलों में छप गए थे और सेकंड आ गए थे। वो थे आसिम रियाज। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको दुनिया जानती थी और उन्होंने और भी ज्यादा प्यार कमाया था बिग बॉस की जर्नी से, और वो विनर बन गए थे। भाई टाइट्यूलर विनर भली सिद्धार्थ शुक्ला रहे हो, लेकिन आसिम रियाज को पब्लिक ने इतना प्यार दिया था तो पब्लिक अपना विनर तो आसिम को ही मानती थी। जिसके बाद कल दो दो ट्रेंड सामने आए, 1 ईयर ऑफ आइकॉनिक विनर सिद्धार्थ और वहीं 1 ईयर ऑफ पब्लिक विनर आसिम के नाम के दो ट्रेंड्स आए जिनको खूब सारा प्यार मिला, खूब सारे ट्वीट्स मिले। इनफैक्ट सिद्धार्थ के नाम के ट्वीट जो ट्रेंड था उसने तो 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स ऑलरेडी क्रॉस कर लिए थे। तो यहाँ पर दोनों ही, चाहे विनर हो रनर अप हो, दोनों के बीच में अभी भी घर के बाहर एक रेस ही लगी रहती है, दोनों के फैंस के बीच में एक रेस ही लगी रहती है, और दोनों के फैंस इन दोनों ही स्टार्स को आज तक खूब सारा प्यार देते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप आसिम और सिद्धार्थ के बारे में और उनकी जर्नीज के बारे में बिग बॉस के घर में, जल्दी से बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।